ये रहना अजमी साहब एक जुमला कहते हैं मेरे लिए कि नदीम सरवर मेरा दिमाग है। अब बस मैं अलविदा की तरफ आ रहा हूँ। नदीम सरवर मेरा दिमाग है, मैं उसका दिल। रहना अजमी साहब फरमाते हैं कि नदीम सरवर 8 महीने मेहनत करता है, तो 8 महीने क्या करता हूँ? एक्सरसाइज करता हूँ, गला बनाता हूँ? नहीं, 8 महीने तवस्सुल अपने मौला से करके कलाम मांगता हूँ, इब्तदाई शायरी मांगता हूँ, तर्ज मांगता हूँ, लहजा मांगता हूँ कि पूरा कलाम कैसा होगा। इसके बाद शायरी की बारी आती है, फिर उनके हुजूर रखा जाता है कि इतना मैं लिख चुका हूँ और इतना आपके शाना बशाना बैठ के लिखूंगा। ये बचपन से मेरा वतीरा था और आज भी है। वो तवस्सुल इमाम क्या है, क्या मांगता हूँ अपने मौला से? आज भी मेरे पास 100 गज का प्लाट नहीं है भाई, लेकिन जो इज्जत है ये अल्लाह ने, जो इज्जत मुझे मेरे अल्लाह ने दी है, वो इज्जत ये है, वो इज्जत ये है कि हाल ये जाता है हजरत अल्लामा मजलिसी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं ले रहा, हाथ उठाइएगा। जज़ाकअल्लाह। मेरे नौजवान बच्चे सुने, अब मैं बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। हजरत अल्लामा मजलिसी 110 जिल्दें बिहार उलमा के लिखे हैं, और 110 जिल्दें कुरान हज़रत साहब तशरीफ लेकर के हैं। पुराने मेरे दोस्तों में से अल्लामा मजलिसी ने 110 जिल्दें बिहारुल अनवार की लिखी। इतना लिखते थे कि उंगलियों का गोश्त सूख गया था। सुना मेरी बात, उंगलियों का गोश्त सूख गया था, उंगलियां ऐसी हो गई थी। एक दिन जौजा हुजरे में दाखिल हुई, अल्लामा मजलिसी लिख रहे थे। जौजा थोड़ी देर तक देखते रहे, कहने लगे कैसे आशिक अली हैं, 40 कदम के फासले पर मेरे मौला का रोजा है। मैंने तो आपको बहुत कम जाते हुए